الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قال من رب الرحيم صدق الله العلي العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه। मेरे अजीज दोस्तों, वाजह एहतराम बुजुर्गो, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों, आजिज नाचीज पुर तकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज्जत से दुआ है वो पाक जात आजिज को सही मफहूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, सलामुन कौलुम में रब्बिर रहीम, रब्बिर रहीम की तरफ से अल्लाह के बंदों को सलाम पहुंचे। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, वो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह की अताद करते हैं, रसूल पाक के हुक्म पर अमल करते हैं, अपने नफूस को अल्लाह उसके महबूब का ताबेदार बना लेते हैं, शैतान से मुंह फेर कर रहमान को अपना महबूब हकीकी समझ कर उसकी अताद करते हैं, वो दुनिया में रहें, कब्र में रहें, अल्लाह के सामने हाजिर हों, वो तो अल्लाह की तरफ से सलामती वाले होते हैं। जिस बंदा है मोमन ने अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी, जब उसकी जिंदगी मुकम्मल होती, अल्लाह ताला इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, ऐ इज़राइल, मेरे इस बंदे ने मेरी नमाजें पढ़ी, ना देखा पानी ठंडा है कि गर्म है, इस मेरे बंदे ने मेरी अताअत की, मेरे बंदे ने नफ्स को जेर करके शैतान से मुंह को फेर कर मेरे हुक्म पर अमल किया, तकलीफ बर्दाश्त की, गर्मियों के रोजे रखे, सर्दियों में मेरी राह का सफर किया, ये नेकोकार लोग अल्लाह उसके रसूल की अताअत करने वाले, जब इनकी जिंदगी की घड़ियां पूरी होती हैं, जो जिंदगी अता हुई वो मुकम्मल होने वाली होती है, रब कहता है मेरे बंदे पर सलामती हो, मेरी इस बंदी पर सलामती हो, ऐ इज़राइल इसे मेरे पास ले आ, अब मैं उन्हें अपनी नेमतों से नवाज दूं, शफकत इसकी घड़ियां तकालीफ की दूर हुई, अब राहत की घड़ियां मैंने अता करूंगा। अल्लाह के ये फरिश्ते 500 की तादाद में आते हैं, ऐसे रूह निकालते हैं जिस तरह मक्खन से बाल निकलता है। पहली मंजिल आखरत की कब्र है। नबी पाक का फरमान है, आखरत की पहली मंजिल कब्र है, जिसकी कब्र बेहतर होगी बाकी मंजिलें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी, और जिसकी कब्र गंदी हो गई, जिसकी कब्र खराब हो गई, बाकी मनाजिल खराब से खराब होती चली जाएगी। अल्लाह की अताअत करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, रब की नमाज पढ़ने वाला, कुरान पाक को सीने से लगाने वाला, कुरान पाक को पढ़ के उसके अमल करने वाला, नबी पाक के फरमान के मुताबिक इसकी कब्र जन्नत का बागीचा बन जाती है। अल्लाह के फरिश्ते इसका इस्तकबाल करते हैं, खुदा के फरिश्ते इसको सलाम करते हैं, और जब क़यामत का दिन आएगा, रसूल पाक का फरमान है लोगों, अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजेगा, मलाइका को भेजेगा, जाओ मेरे बंदे को जब कब्र से ले रहे तो इनको सलाम पेश करो, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दो, इसको सलामी करके मेरे पास लाओ,
फिर रोज़े क़यामत अल्लाह इसको अपनी जन्नत अता करेगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये अहले जन्नत, ये मर्द औरतें जिनको अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा, अल्लाह की तरफ से सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से रब रहीम की तरफ से इनको सलाम भेजा जाएगा। सलाम सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किया। हदीस पाक है, जब रसूल पाक सल्लम फरमाते आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो सामने मलाइका की एक जमात थी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी आदम जाओ जाकर इस जमात को सलाम करो। आदम अलैहिस्सलाम जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, तो अल्लाह के मलाइका ने कहा वालेकुमुस्सलाम। रब का हुक्म आया, आदम तेरा और तेरी औलाद का ये सलाम है, जब मिलो तो इसको फैलाओ, जब मिलो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, जब मुसलमान आपस में मिलें तो सलाम करें, और जो सलाम करे तो उसका जवाब उन्हीं लफ्जों में दे या उससे बेहतर लफ्जों में सलाम का जवाब दे। एक मोमिन कहता है अस्सलामु अलैकुम, आगे से जवाब देने वाला कहता है वालेकुम अस्सलाम, सलाम हो गया। लेकिन अगर कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अब उसके अल्फाज से बेहतर अल्फाज हो गए। तो कुरान पाक के हुक्म मुताबिक जब तुम्हें कोई सलाम करता है तुम उससे बेहतर लफ्जों में इसका जवाब दो या फिर उसी के लफ्ज दोहरा दो। ये भी कर सकते हो, अस्सलामु अलैकुम आप कह दो वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि उसके अल्फाज से आप बेहतर अल्फाज में उसके सलाम का जवाब दो। कैसे सलाम करना है? अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका, कई लोग कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है तू मरे या तुझे मौत आ जाए। सलाम तो दुआ है, लेकिन इस मोमन को इतना पता नहीं है कि इसके अल्फाज क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम नहीं है, लफ्ज है अस्सलामु अलैकुम या कहो अस्सलामु अलैका, ये है सलाम के अल्फाज। हजरत जाबिर बिन सलीम रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मैं नबी पाक की खिंदे अकदस में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज की अलैकुम सलाम, अलैकस्सलाम। नबी पाक ने फरमाया मुसलमानों का ये सलाम नहीं है, तुम कहो अस्सलामु अलैका। ये है वो तरीके जो नबी पाक ने सिखाए। हदीस पाक में आता है अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हर मोमन के, हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 पसंदीदा हक हैं। हक क्या होता है? हक होता है अगर अदा न किया तो रोज़े महशर अल्लाह को उसका हिसाब व किताब देना पड़ेगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आगाह फरमाएं हर मोमन के दूसरे मोमन पर क्या 6 पसंदीदा हक हैं। नबी पाक ने फरमाया, जब मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम सलाम करे। दूसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया, दूसरा ये हक है, जब एक मुसलमान दूसरे को दावत दे तो दावत को कबूल करे। तीसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया, एक मोमन का दूसरे मोमन पर हक है, जब छींक आए तो यरहम कल्ला कहे। नबी पाक फरमाते हैं, चौथा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, अगर वो बीमार हो जाए तो जाके बीमार पुरसी करे। और रसूल पाक ने फरमाया,
एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये पांचवा हक है, अगर मुसलमान मर जाए उसके जनाजे में शिरकत करे। और नबी पाक ने फरमाया हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ये हक है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे, और जो अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद ना करे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, आके कहता है अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक ने उसका जवाब दिया, वो बैठ गया। आका ने फरमाया अल्लाह ताला इसको इसकी 10 नेकियां अता फरमाएगा। दूसरा शख्स आया, आके अर्ज करता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के बैठ गया। नबी पाक ने उसके सलाम का जवाब दिया, इरशाद फरमाया इसके लिए 20 नेकियां हैं। तीसरा शख्स आया, अर्ज की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू बैठ गया। नबी पाक ने उसके सलाम का जवाब दिया और इरशाद फरमाया अल्लाह ने इसके लिए 30 नेकियां लिख दी। फिर एक चौथा शख्स आया, आके कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मग़फ़िरतहू बैठ गया। नबी पाक ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया इसके लिए 40 नेकियां हैं। क्या बिगड़ा मेरे भाई, ये चंद अल्फाज और नेकियों का खजाना। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैं सिद्दीक अकबर के साथ सवारी पर पीछे बैठा हुआ था, हम सफर में थे, चलते चलते रास्ते में एक जमात आई। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम। जमात ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिद्दीक अकबर आगे चले, मैं उनकी सवारी में पीछे बैठा हुआ था। फिर एक जमात आई तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जमात ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सैयदना उमर फारूक फरमाते हम आगे गए, फिर एक जमात आई, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जमात ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। सुन के सिद्दीक अकबर ने कहा उमर हमसे नेकी में ये बढ़ गए। ये वो हिरस थी जो अल्लाह ताला ने नबी पाक के गुलामों में उनके दिल में बिठा दी थी। यही हिरस थी कि नेकियां इकट्ठी कर लो, अल्लाह से ज़्यादा सवाब ले लो। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, ये सलाम इसमें 3 फजीलतें हैं। सबसे पहले जब अल्लाह का मोमन बंदा दूसरे मोमन बंदे को सलाम करता है अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है, और दूसरा जो एक अल्लाह का मोमन बंदा दूसरे मोमन को सलाम करता है अल्लाह दोनों के माबैन मोहब्बत पैदा कर देता है, और तीसरा जब एक मोमन दूसरे को सलाम करता है तो नबी पाक फरमाते ये इसको दुआ देता है। सलाम करने वाला भी दुआ देता है, सलाम का जवाब देने वाला भी दुआ देता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, सलाम करना सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जवाब देना वाजिब। आप सवाल सलाम करेंगे सुनते रसूल का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आपने सलाम का जवाब नहीं दिया तो आप गुनाहगार होंगे। सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब।
रसूल पाक का फरमान है, जब एक मोमन सलाम करता है और दूसरा मोमन सलाम का जवाब नहीं देता, क्यों नहीं देता? आपस में कोई इख्तलाफ है, आपस में नाराजगी है, मुंह फूला हुआ है, मुंह लटका हुआ है, वो सलाम कर रहा है, ये जवाब ही नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ का बादशाह बन के बैठा हुआ है। मेरे भाई, नबी पाक का फरमान है, एक मोमन को दूसरे मोमन से 3 दिन से ज्यादा इजाजत नहीं के ताल्लुकात तोड़े, 3 दिन से ज्यादा इजाजत नहीं। और अगर कोई मुसलमान 3 दिन तक आपस में नाराजगी दूर नहीं करता तो नबी पाक फरमाते लैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, एक मोमन ने सलाम किया, दूसरा मोमन जवाब नहीं देता, उसका जवाब तो अल्लाह के मलाइका देते हैं, जो इंसान से ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाले हैं। ये सलाम कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत है कि अल्लाह का मोमन बंदा। नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे असाबा, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कामिल मोमन नहीं बन जाओगे। और सुनो, तुम कामिल मोमन नहीं बन सकते जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। और नबी पाक ने फरमाया, मैं तुम्हें ना बता दूं तुम आपस में मोहब्बत किस तरह करोगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाए। नबी पाक ने फरमाया, तुम सलाम की कसरत करो, तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्या ही प्यारा अंदाज है। हम सलाम तो कभी कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कोई जान पहचान का हो तो सलाम करेंगे, जिसको नहीं जानते अगर उसको सलाम कर देंगे वो भी हैरान हो जाता है, यार पता नहीं ये कौन है सलाम करने वाला। ऐसी इजाजत नहीं है, इससे बड़ी पहचान क्या होगी। तुम एक रब को मानते हो, एक ही नबी के उम्मती हो, तुम सब ईमान वाले मोमन हो, इससे बड़ी पहचान और क्या होगी। इसलिए जब नबी पाक ने फरमाया, तुम उस वक्त तक अपने आपस में मोहब्बत नहीं करोगे जब तक सलाम की कसरत नहीं करोगे। ये कसरत किस तरह होगी? हर मोमन को तू सलाम कर। उसके अलावा नबी पाक फरमाते हैं, दूसरों को सलाम भेजो, इससे भी कसरत होगी। नबी पाक के साहबी फरमाते हैं, मैं नबी पाक के पास हाजिर हो रहा था, मेरे वालदे मोहतरम ने कहा, मेरे बेटे जब तू नबी पाक के पास पहुंचे तो मेरा भी अल्लाह के महबूब को सलाम कह देना। कहते जब मैं अल्लाह के महबूब की खिदमत में पहुंचा, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मेरे वालदे मोहतरम में भी आपको सलाम भेजा है। नबी पाक ने मेरे सलाम का भी जवाब दिया और मेरे अब्बा जी के सलाम का भी जवाब दिया। वो मेरे भाई, जिसको नबी पाक कहे तुझ पे सलामती हो, तुझ पे रहमत हो, तुझ पे बरकत हो, तेरी मगफरत हो, उसको रहमते समेटने में क्या कमी रह गई। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर 2 मोमन सफर में हो, जब मिले तो सलाम करें, अगर दोनों के दरमियान दरख्त आ जाए फिर मिलो तो सलाम करो, दोनों के दरमियान अगर दीवार आ जाए जब मिलो तो सलाम करो, जब दोनों के दरमियान कोई पत्थर आ जाए मिलो तो सलाम करो। जब सलाम की कसरत करोगे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जब मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। रब्बे करीम
हमें अमल की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।